15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच इस तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया और इसके पश्चात भारतीय गणतंत्र ने इसे अपनाया। भारत में तिरंगे का अर्थ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे में इन रंगों का क्या महत्व है, यह जानना बहुत जरूरी है। केसरिया यानी भगवा रंग बैराग्य का रंग है। हमारे आजादी के दीवानों ने इस रंग को सबसे पहले अपने ध्वज में इसलिए सम्मिलित किया जिससे आने वाले दिनों में देश के नेता अपना लाभ छोड़कर देश के विकास में खुद को समर्पित कर दें। श्वेत रंग प्रकाश और शांति के प्रतीक के रूप में लिया गया। हरा रंग प्रकृति से संबंध और संपन्नता दर्शाता है। केंद्र में स्थित अशोक चक्र धर्म के 24 नियमों की याद दिलाता है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ में किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा गया या मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास आज के इस रूप में पहुंचने के लिए अनेक दौरों से गुजरा। एक रूप में यह राष्ट्र में राजनीतिक विकास को दर्शाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के विकास में कुछ ऐतिहासिक पड़ाव भी हैं। प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। इस ध्वज को लाल पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। दूसरे ध्वज को पेरिस में मैडम गामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा फहराया गया था। यह भी पहले ध्वज के समान था, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया। तीसरा ध्वज 1917 में आया जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस तिरंगे के खातिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमारे स्वाधीनता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें उस माहौल से मुक्त किया जहां हम गुलामी, दासता और जड़ता के माहौल में जी रहे थे। कुमार आलोक, DD News, दिल्ली।